तो आज हम आए हैं स्मृति वन द अर्थक्वेक म्यूजियम। आप देख सकते हो यहाँ पे possible on this inhospitable bubbling planet. Time pauses. The continental drift theory narrates the story of the planet continents moving over geologic time relative to each other. Scientists believe that 650 million years ago, in the cryogenian era, the subcontinent Rodinia broke up. The fragments of this came together to form Gondwana, Laurentia, Baltica, and Siberia. During the Carboniferous Age, which is 355 million years ago, the plates of Gondwana and Laurasia collided to form the supercontinent Pangaea. This too broke up to form the continents as we know today. In the midst of all this, life evolved. From single cells to complex large animals, from the oceans to the land and the air, from marine to amphibian, from terrestrial to avian. पानी का
हवा के प्रेशर से देखो पत्थर की साइज चेंज होगी। यहाँ पे आपको भूकंप करते आया आया भूकंप आया भूकंप आया भाई देखो देखो झाड़ तो गिरे नहीं बाड़े ही बाड़े ही बाड़े ही ये मेरा गांव डूब गया ऊपर बादल दिखा। तो अभी हम आपको दिखाएंगे बफेलो। यहाँ पे हम जो प्रेस करेंगे वो हम यहाँ स्क्रीन पे शो कर सकते हैं या फिर हम देख सकते हैं। नहीं देखेगा। तो अभी फिलहाल हम हैं स्मृति वन में और इधर आप देख सकते हो काफ़ी मस्त बनाया है और इस तरफ चल रहा है कुछ प्रोजेक्ट और मोस्ट ऑफ यहाँ पे जितना भी है आपको देखने को मिलेगा सारा प्रोजेक्टेड है। अगर आपको इंटरेस्टेड हो जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए तो आप जरूर आए अपने परिवार रिलेटिव को भी आप लेके। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर क्या भूंगा हट बनाई गई है जो एकदम इसको ट्रेडिशनल वे में डेकोरेट किया गया है बर्तनों से और कांच से। देश से लगभग अलग हो गया क्योंकि एक्सचेंज की इमारतों के ढहने से लगभग 80,000 संचार लाइनें टूट गई थी। मलबे का ढेर बना जिला कार्यालय इस आपातकालीन स्थिति को कैसे संभालता? When earthquake happened, I was in the collector. My satellite phone was working. Within 10 minutes, I received a call from the CMO. Hey, you start doing something for the Bhuj and something big has happened. भूकंप के शुरुआती झटके के बाद कुछ ही मिनटों के अंदर आर्मी ने घटना स्थल पर पहुंचकर पहले दिन सैकड़ों जाने बचाई। पुलिस, स्थानीय लोगों, रैपिड एक्शन फोर्स यूनिट्स, फायर ब्रिगेड, नगर निगम और गैर सरकारी संगठनों ने भी पहले दिन सैकड़ों को बचाया। भारतीय वायुसेना ने तेज कार्रवाई की। IL-76 जैसे बड़े कार्गो विमान और M-32 जैसे बहुउद्देशीय विमानों ने बहुत से उपकरणों, कर्मचारियों, राहत सामग्रियों को जरूरत की जगह पहुंचाया और गंभीर रूप से घायल लोगों को चिकित्सा सुविधाओं तक ले जाने का काम किया। सभी मुख्य अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खंडहर हो चुके थे। दुनिया के अनेक कोनों से मोबाइल अस्पताल भुज पहुंचे। बसों को आपातकालीन अस्पतालों में तब्दील कर दिया गया। बहुत से देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। डेनमार्क की मेडिकल टीम ने गांधीधाम में और यूक्रेन ने बचाव में अस्पताल बनाए।
इजरायली पैरामेडिक्स ने भुज में और जापान ने माधापर और कुकमा में चिकित्सा सहायता दी। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस रेफरल अस्पताल और स्पेन रेड क्रॉस इकाइयों के साथ साथ भारतीय चिकित्सक संघ द्वारा बनाए गए चिकित्सालयों में दिन रात काम करके परिस्थिति को संभाला। इतने बड़े पैमाने की तबाही को संभालने के लिए एक दृढ़ सामूहिक प्रयास की जरूरत थी। भूकंप के पश्चात आए झटकों ने एक हफ्ते तक इस इलाके को हिलाए रखा। इन असंख्य पीड़ितों को शरण देने के लिए बहुत से तंबू और अस्थाई छप्पर लगाए गए। बीएपीएस के स्वयंसेवकों द्वारा 4 ट्रक प्रावधान पहुंचाए गए। पहले ही दिन दोपहर 1 बजे तक 4,000 लोगों के खाने का इंतजाम हो गया और रात तक 20,000 लोगों को खाना उपलब्ध करा दिया गया। रामकृष्ण मिशन, सेवा भारती, माता अमृतानंदमयी मठ, बीएपीएस कच्छ नव निर्माण अभियान, कच्छ जैन समाज, कैरिटास इंडिया और अन्य संस्थाओं ने मदद पहुंचाई। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और भारतीय खाद्य निगम भी मदद के लिए आगे आए। I was able to talk to the then revenue minister and he told me that you see लकड़ी चाहिए for 3 reasons. One, for protecting those who are survived against the cold. Second, to do the agni samskar of those who are dead. And third, for tomorrow, if those who are survived, उनके लिए कुछ खाना पकाना बनाना पड़ेगा, उनके लिए चाय बनानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ है नहीं, गैस कनेक्शन नहीं चलता है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं। सर्दी से बचने के लिए राहत सामग्री और खाने के लिए भोजन भी रेल से भेजा गया। लोगों को गुजरात में उनके परिवारों से मिलने और मदद करने जाने के लिए कुछ विशेष ट्रेनें चलाई गईं। ये सच है कि इस आपदा ने उन लोगों को भारी शारीरिक क्षति पहुंचाई, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा था मानसिक कष्ट और सदमा जो एक लंबे समय तक रहा। तबाही के मंजर, बचाव के लिए पुकारती आवाजें और मजबूर हालात की वो मुर्दा शांति बहुतों को आज भी झकझोर देती है।